सतीश कुमार जी नमस्कार जी नमस्कार। ये आप खेबड़ा गांव के हैं और अपने जून में एक हवन कराकर सामूहिक रूप से घोषणा की थी कि आपने ऑफिशियली अपना धर्म बदल दिया है। पहले आप मुस्लिम थे और अब हिंदू हैं। हालांकि आप कहते हैं कि, और मैं देख भी रही हूँ कि लगभग हिंदू ही जैसा सब कुछ था, तो थोड़ा प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, मैं सतीश कुमार मेरा नाम है और मैं खेवड़ा का निवासी हूँ। यहाँ सोनीपत जिला है। एक्चुअली मैम, हमें बचपन से ही हमें रीति हिंदू रीति रिवाज मिले हैं और हमारा मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ दो चीज़ों में हमारा मुसलमान से लेना देना था कि हमारी शादी में सिर्फ फेरे की जगह निकाह होता था, एक मृत्यु में हमारा दाग की जगह फेरे कब्रिस्तान में ले जाते थे, हमें दफना दिया जाता था। बाकी हमारा सारे संस्कार हिंदू रीति रिवाज से थे और हमारे सभी हम व्रत वगैरह या जो भी कार्यक्रम होते हैं, पूजा होती है घर में या कोई हवन वगैरह, वो सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही होते हैं। और आज तक हमारे आस पड़ोस में, हम इतने गांव में रह रहे हैं कि इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता, हम बिल्कुल हिंदुओं से भी ज़्यादा दिवाली होली वगैरह सारे त्यौहार मनाते थे। और आपके परिवार में नाम जो है सबके, जैसे आपका नाम सतीश है तो इनका भी मैंने सुना सोनिया ही नाम है, तो सब नाम सक्षम है जी, तो सबका नाम ऐसा ही है। ये बिल्कुल हमारे में हमारे ये तो नई पीढ़ी है, मैं पुराने भी ये बता रहा हूँ, वो हमारे भाई का नाम विजय ताऊ का अपने फुल सिंह है, पिताजी का नाम श्री फतेह सिंह है, दादा का विजय था, वो इस तरह मतलब दादी का नाम भगानी था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में हमारा, मैं ये कह रहा सिर्फ दो चीज़ों में ही हमारा मुसलमान जुड़ता था, बाकी हमारा सारे काम रीति रिवाज। तो क्या जी, क्या बताया गया था आपको बचपन में कि आप मुसलमान जो नाम के हैं भी वो क्यों थे? मैं वो बचपन से ही बताया गया था, जो मुगलों का राज था जो पहले था, तो उसमें कोई दाव वगैरह में प्रेशराइज में उन्होंने उस तरह का ये अपना लिया था। बाकी वो जैसे जैसे पीढ़ी दर गया तो हमारा वो भी छूट गया था। बस ये था कि हम बिरादरी के हिसाब से ये काम करने पड़ते थे, नहीं तो फिर और शादी की समस्या आती थी। ठीक है, बाकी आपके यहाँ भी सेम जाति में ही विवाह तो होता है ना? हाँ बिल्कुल जी। तो जैसे आप धोबी कास्ट से हैं, हाँ। तो क्या धोबी हिंदू परिवारों में भी शादी करने की इजाज़त थी? है? बिल्कुल मैम, वो अपनी इच्छा से हम समाज में कहीं भी कर सकते हैं। बाकी ये था कि मोस्टली जैसे हमारे देश में जो परंपरा है, मेरा मतलब अरेंज मैरिज जो है, लव मैरिज तो खैर कोई किसी से भी कर सकता है, वो कास्ट टू कास्ट ही होती है। नहीं तो मतलब सिर्फ मुस्लिम धोबी परिवारों में होती थी कि हिंदू धोबी परिवारों में? मोस्टली मैम मुस्लिम परिवारों में ही होती। तो हिंदू धोबी परिवार जो हैं उनसे आपका रोटी बेटी का संबंध? नहीं वो तो मैं था, बाकी मैं फिर ऐसा नहीं, बिरादरी के हिसाब से विवाह करते नहीं थे जी। तो फिर आपको ऐसे वाले परिवार कहाँ कहाँ मिलते हैं, मुस्लिम धोबी परिवार? मुस्लिम परिवार जो हैं वो तकरीबन सभी बिरादरी में हैं हमारे, जैसे सभी जगह हैं, यहाँ हरियाणा पंजाब जैसे और दिल्ली में। अच्छा, मतलब हरियाणा पंजाब और एरियाज में स्पेसिफिकली धोबी कास्ट में मुस्लिम लोग हैं, काफ़ी हैं। अच्छा, तो शादी वगैरह में ऐसा अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं, अरेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और किसी की शादी हिंदू धोबी परिवार में हुई है आपके परिवार में, याद आ रहा है? अभी तक मैम ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अभी जैसे आपने ऑफिशियली चेंज कर दिया है, अब क्या होगा, क्या अब होगी? हाँ यह बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना कुछ परिवारों ने, जैसे हमारा संगठन ही मान के चलिए एक तरह से, जो सभी बिरादरियों में तकरीबन एक एक दो दो परिवार आए हैं, तो अभी हमारी 15 से 20 जो कहते हैं बिरादरी जो रिश्तेदारियाँ हैं उनमें से आ गए हैं। तो मोस्टली मैम अब जहाँ से जैसे हमारे रिश्तेदारी पहले करते थे, अब वहीं से जैसे कुछ लोग बने हैं तो वो अपने हिसाब से वो हिंदू रीति रिवाज अपनाना शुरू कर देंगे। अब जैसे नेक्स्ट टाइम अगर शादी होती है या कोई किसी की डेथ होती है तो वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही हम वो अपनाएंगे। तो आप ये बता रहे हैं कि अभी कैसे आपके मामा के परिवारों ने किया, और आपने मुझे बताया कि वजीदपुर जगह का नाम वाजिदपुर, और वहाँ पे करीब 60 परिवारों ने किया एक साथ, जिसमें ज्यादा परिवार वाजिदपुर में ही हो, जिसमें कि आपके मामा जी का भी परिवार एक था। हाँ, और इनकी आपकी वाइफ जो है उनके भी मामा जी ने दिल्ली में किया, दिल्ली में वो उनका भी परिवार ने। तो मतलब ये एक तरीके से ये भी पूरे एक क्लैन बन गया, काफी लोग हो गए इसमें से भी, आप लोग कर सकते हैं जी। हमें हाँ बिल्कुल मैम, रिश्तेदारी वही है जैसे बवाना है वाजिदपुर हो गए या सिंगू हो गए या फिर बड़वासनी हो गए, तो ये रिश्तेदारियाँ ये हैं पहले जो मुस्लिम में कन्वर्ट थी और वो हिंदू में कन्वर्ट हो गई है जो, तो वही रिश्तेदारियाँ हैं। बस ये जाकर हम अपना जो है रीति रिवाज जो है हिंदू धर्म से, बाकी जहाँ तक शादी की बात है, जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक तो शायद अरेंज मैरिज कौन ही करेगा। मैम ऐसे है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे कुछ बिरादरी में अभी नाराज हुए, उन्होंने कहा भी आप बच्चों की शादी करोगे जब आपको पता चलेगा चेंज करने का, तो मैंने उनको वही जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मुझे मन में है अगर वो नौबत नहीं आएगी जब तक। सही बात है।
अच्छा, तो जो जब आप थे ही ऑलमोस्ट हिंदू, तो हवन करने का, हवन तो मतलब वैसे भी आप करते ही रहे हैं, आपने धर्म घर के लिए भी किया, बच्चों के पैदा होने पे भी किया, तो ये हवन किया ही क्यों फिर? मैं बताना चाहूँ, मैं शुरू से ना, मैं छोटे बचपन से पूजा पाठ करते आ रहा हूँ, और मेरे हिंदू धर्म में बहुत, मतलब पूरे परिवार के हिंदू धर्म में ही आज था, हम सारे त्यौहार वगैरह मना रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मैं पूजा पाठ भी डेली करता हूँ, और बगैर पूजा पाठ के मैं अंत तक रह नहीं कर सकता, चाहे कितना टाइम हो जाए। और मुझे यहाँ सब कहते भी हैं, हरिद्वार के सिवा कहीं जाता भी नहीं, क्योंकि मैं हरिद्वार को, मैं गंगा मैया को काफ़ी मानता हूँ, और जैसे उस तरह का नाता गंगा मैया से मेरा, जैसे विषम पिता का माँ था, जब भी कोई परेशानी होती थी विषम पिता माँ गंगा मैया के पास जाते थे, हमने माँ भारत में देखा, उसी तरह मैं भी हूँ, मैं अपने जीवन में जब मुझे थोड़ा परेशानियाँ आती हैं तो मैं गंगा मैया के पास चला जाता हूँ, और वहाँ से बिल्कुल फ्रेश हो गया आशीर्वाद लेकर गाता हूँ। तो उसी तरह से मैं हवन वगैरह कंटिन्यू करवाता था, और मेरे ऑफिस में तकरीबन 1 ईयर में 2 या 3 बार हवन होते थे, मैंने मकान बनाया तब भी हवन होया, लेकिन मैम ये हवन करवाने का मतलब ये था कि मैं सामूहिक, मतलब सामाजिक तौर पे सबको बता के पूर्ण रूप से हिंदू बनना चाहता था, कि भाई कल ने कोई हमारे पे ये मुस्लिम का थप्पड़ ना लगाए, मैं इस थप्पे को हमेशा के लिए अपने परिवार से ख़त्म करना चाहता था। अच्छा, इसलिए मैंने सामूहिक हवन करवा के MLA जी को, और अपने विपक्षी जो पार्टियां उनको भी, और गांव के सरपंच सजीशन जानकल जी को, और MLA मोहनलाल बड़ोली जी को बुला के उनके बीच में ये घोषणा की, और मैं पूर्ण रूप से हिंदू स्वीकार, धर्म स्वीकार किया। कागजी कार्रवाई कोई करनी पड़ी? नो, कागजी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैम हम ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट हमारे, जैसे एजुकेशन है या BC सर्टिफिकेट, वो ऑलरेडी हमारे हिंदू लिखा हुआ। अरे ओके, ठीक है। बस अब एक आखिरी क्वेश्चन सतीश जी, ये मतलब क्यों किया, एज एन क्यों आप हिंदू ही बनना चाहते हैं, और क्यों आपने क्यों आप मुस्लिम धर्म से बेसिकली ये बताना चाहते हैं सबको कि नहीं, अब मैं पूर्ण रूप से? मैम इसके भी कई कारण हैं, एक तो आस्था, सीधी बात मैं फर्स्ट टाइम आस्था को लेता हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ही आस्था बहुत रही है हिंदू धर्म में, और मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, मैं पूजा पाठ बचपन से ही कर रहा हूँ, तो एक तो आस्था थी, दूसरा मैम जो मुसलमान धर्म से जो तकरीबन हमारे देश में आतंकवादी वगैरह गतिविधियाँ होती थी, या कोई दंगे फसाद होते थे, मैम उससे क्या होता था ना, कई बार हमारा जो था, क्योंकि हम भी यहाँ थोड़े मुस्लिम हैं भाई, रीति रिवाज मानते हैं, तो जाहिर सी बात है मुसलमान ही कहलाते हैं, चाहे हम कितना भी हिंदू बन रहे, लेकिन वो जो लगा था थप्पा वो लगा रह जाता था, तो उस कारण से हमारे यहाँ भी थोड़ा क्या ना बदनामी आती थी हर बार, और हम अपने बच्चों को नहीं चाहते थे कि वो बदनामी जो हम झेल रहे हैं, हमारे बड़ों ने झेली, को हमारे बच्चे भी आगे जाके झेलें, इसलिए मैम हमने पूर्ण रूप से इसको विराम लगाया, और हिंदू धर्म में हमने वापसी की है। और लॉकडाउन और कोरोना का भी कोई इसमें मतलब आपने? लॉकडाउन में बताना चाहता हूँ, अभी जैसे लॉकडाउन या कोरोना की जो जमाते जो पकड़े गए थे अपने दिल्ली में, तो उनके कारण भी यहाँ ने काफ़ी ब्रिटिश राज हुआ था हमारे आसपास गांव में, जैसे मैं जटीपुर का उदाहरण देता हूँ आपको, टटोली का देता हूँ, और जैसे हमारे गाँव खेवड़ा में भी, जैसे हमारे पूरे जो भी समुदाय है या बिरादरी लोग जो रहते हैं, परिवार रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, सबका, मेरा अकेले का नहीं, सबका लेना देना नहीं है, लेकिन क्या हुआ, जब ये जमाती वगैरह का केस आया, तो कुछ लोगों ने हमारे घरों में आके पूछा, अभी जमाती वगैरह आपके घर में आए हैं, बल्कि पूरे गांव को पता है, सबको पता है हमारा उनसे कोई लेना नहीं, लेकिन फिर भी है ना, वो जब भी कोई काम होता तो मैम उस पर हमारे पे भी जो एक तरह से आ जाती थी, इसलिए हमने मैम फैसला लिया कि हम इससे बिल्कुल दूर होना चाहते हैं, और जो हमारी आस्था है थी हिंदू धर्म में, उसको पूर्ण रूप से अपनाना चाहते हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद सतीश जी, हमें सभी बताने के लिए। थैंक यू सो मच।